आज हम बनाएंगे सच्चा साबु साबुदाना काठी रोल। इसके लिए हमें चाहिए सच्चा साबु का साबुदाना। इस रेसिपी में हम खीर दाना वैरायटी का यूज करेंगे। आधा कप सच्चा साबु साबुदाना को 3 घंटे के लिए पानी में भिगो लें। पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें। इसमें 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च डालें। आधा आधा छोटा चम्मच धनिया और लाल मिर्च पाउडर डालें। एक चौथाई कप शिमला मिर्च और 1/4 कप हरे मटर डालें। एक मध्यम आकार का उबला और कटा हुआ आलू डालें। इसमें भीगा हुआ सच्चा साबु साबुदाना और स्वाद अनुसार नमक डालें। सभी चीज़ें अच्छे से मिलाएं। इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढककर मंदी आंच पर पका लें। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डालें और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए अलग रख दें। काठी रोल बनाने के लिए एक रोटी लें। इसमें 2 बड़ा चम्मच हरी चटनी लगा दें। एक बड़ा चम्मच तैयार की साबुदाना की स्टफिंग रखें। इसे किनारे से घुमाते हुए टाइटली रोल कर लें। नॉनस्टिक पैन में 2 बड़ा चम्मच मक्खन गरम करें। तैयार किए काठी रोल इसमें रख दें। इन्हें दोनों तरफ से गुलाबी रंग आने तक पका लें। सच्चा साबु साबुदाना काठी रोल बनकर तैयार है। इसे टमाटो केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व करें।